मेक्सिको के बीच रिजॉर्ट में क्लिफ डाइविंग करने वाले गोताखोर नहीं जानते कि वो कितना खतरनाक जोखिम उठा रहे हैं। क्लिफ डाइविंग की ये तस्वीरें एडवेंचर की दुनिया में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए तो अच्छी हैं, लेकिन क्या मौत की छलांग लगाने वाले ये गोताखोर जानते हैं कि इसमें थोड़ी सी लापरवाही से उनकी जान जा सकती है। अकापुल्को क्लिफ गोताखोर दशकों की प्रैक्टिस से क्लिफ डाइविंग कर खतरों के खिलाड़ी बन चुके हैं। ये बिना डरे दिन में 5 बार प्रशांत महासागर में 35 मीटर ऊंची चट्टान से छलांग लगाते हैं, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनती जा रही है। लेकिन ये छलांग पूरी तरह से जोखिमों से भरी हुई है। मौत के इस खेल की शुरुआत अकापुल्को के स्थानीय मछुआरों ने सैकड़ों साल पहले कर दी, और प्रशासन की मनाही के बाद भी ऐसा करने के लिए गोताखोर मानते नहीं है। गोताखोरों का कहना है कि हमने क्लिफ डाइविंग से किसी की मौत होते हुए नहीं देखी है, लेकिन क्या अलग अलग तरह से चोटें, टूटी हुई बाहें, टूटी हुई कलाई और कोहनी के अलावा रीढ़ की हड्डी की चोटें, पीठ के निचले हिस्से पर चोटें गोताखोरों को बुरी तरह से घायल कर चुके हैं। इससे पहले पुर्तगाल के अजोरिस से भी क्लिफ डाइविंग वर्ल्ड सीरीज चैंपियन में गैरी हंट की कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी, जो जोखिम से भरी हुई थी। हालांकि पुर्तगाल में ये जानलेवा स्टंट एक खेल की तरह आयोजित किया जाता है, और इसमें रियानान निफ्लिन की जीत हुई थी।